बलाय वर खिला भुगत वर दिन आए मेरे सोकर खिला अरे राम 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 ये एमपी हो अब बात थोड़े भाती नहीं है टिकट तो पार्टी ने मैं दोनों राम जी पे किन आए हो 30 तारीख तक वो हमें वादा रहा थे को या टिकट में बदल ली पड़ेगा और बदल के गेट मत आया आने का कंपाउंडर से आंखों में आंसू भरे टपाक 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 मुन के भाई साहब अगर आप एमएलए होते ना तो के ये मेरा काम 5 मिनट में हो जाता अब कोई मुर्गा नहीं बनेंगे आपसे जनता की अपील और आवाज आप तक पहुंचा देते हैं आपका मन हो तो क्या देना और आपका मन नहीं हो तो मर्जी आपकी सातवर की जनता की जो मर्जी होगी ये फैसला कर ले बात हुई तो भाई दाना राम हमारे बुजुर्ग आदरणीय मोतीराम जी भाई भगाराम जी हरचंद जी भाई रावत सिंह राजेंद्र जी सभी अपने माधाराम जी पूज्य गुरु जी और आप सब विराजमान मेरे दिल की धड़कन और जैसा दाना राम जी को जो ऊर्जा दी है वो सेम ऊर्जा आपकी मेरे दिल में आ रही है मैं इसके लिए आप सबको शीश झुकाकर के प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। पत्रकार मित्र कहानी तो बहुत लंबी है अगर वहां से शुरू करूं तब तो शायद सर्वज्ञ रुद्राज जी बिश्नोई हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री थे और मैं बंबई में छोटा मोटा मेडल का व्यापार करता था और बिड़ला ग्रुप में मेडल की सप्लाई करता था उसमें एक जनरल मैनेजर थे शर्मा जी के एक साले थे वो कंपाउंडर थे और शर्मा जी के सासू माँ एक साली और एक साला परिवार में ससुराल में 3 ही लोग थे तो वो सारे जी की हो गई बदली शर्मा जी को हो गया टेंशन और मुझे बताया कि जीवाराम जी यार राजस्थान में कोई आपका पहचान वाला हो तो मेरे साला जी ट्रांप हुई कंपाउंडर है और उनकी बदली हो गई है। अरे मैंने कहा ये तो एक छोटा सा काम है हमारे विधायक जी है रघुनाथ जी बिश्नोई है बहुत वरिष्ठ है मित्रों एक मिनट जरा शांति से सुन लो यार और ये तो मेरे लिए 5 मिनट का काम है मैं बदली वापस कैंसिल करवा दूंगा तो क्या यार न्याय कर दो उस समय मुंबई से जयपुर का किराया 510 रुपया था हवाई जहाज का मैं हवाई जहाज में बैठ करके जयपुर आया उन कंपाउंडर साहब को नीलम होटल में बुलाया हम दोनों रुद्रनाथ जी के वाटर पर गए बंगले पर गए और मैंने परिचय दिया कि साहब मोहन नायर हूँ मोटा जीरो दिग्रो हूँ तो कहे हाँ सगो जी मोटा जी लक्ष्मी चंद जी का खास आदमी है मेरे साथ है तो मैं उन्हें फूल वाला में पर मुँह तो मुंबई में व्यापार कर रहा हूँ मारा हुआ कोई मतलब नहीं है राजनीति थी पर मारे एक मित्र है यारी बदली हुई यार परिवार में समस्या है जो अगर आप यारी बदली कैंसिल करोगे तो मुंह आई उठे बम्बई थी तो कहते टाबर हो थे हम जो दिन या ट्रांसफर हम या बदली का चक्र धोने नहीं पड़ना तो घंटा भाषण दे तो भाई गाड़ी और पाए गेट मत आया आने का कंपाउंडर से आंखों में आंसू भरे टपाक 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 मुन के भाई साहब अगर आप एमएलए होते ना तो के ये मेरा काम 5 मिनट में हो जाता नहीं तो एमएलए में इतना दम है क्या तो हाँ सर अब झूठ संजो की बात है रुकना जी बीमार पड़ गए मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे और ईश्वर ने तभी तो उनका साथ नहीं दिया और देव हो गए और 90 में ये इलेक्शन हो गई तो मैं बंबई से आया ईश्वर राम जी भगवान राम ने ऐसे मतलब उस समय तो मैं किसी को पहचानता नहीं था यहाँ अपने चौधरी धर्मशाला में हमारे समाज के कुछ मित्र थे हमारे दूसरे समाजों के जो बंबई में थे सब जवान युवा इकट्ठा होकर के हमने फोरम भरा हमको पता ही नहीं बीजेपी टिकट कहाँ देती है कांग्रेस टिकट कहाँ देती है ईमानदारी से हमने आकर के फॉर्म भर दिया और निशान आया घोड़ा
तो रुंदा जी नहीं हो गए तो कांग्रेस की टिकट तो लिया है हीरा लाल जी, बीजेपी की टिकट स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी, और रुंदा स्वर्गीय रुंदा जी की धर्मपत्नी मीरा देवी कांग्रेस से हीरा लाल जी, और घोड़ा लेकर के जीवाराम चौधरी भाई दौड़ा है घोड़ा, घोड़ा दौड़ा है तो घोड़ा दौड़ा तो खूब आप लोगों के सहयोग से 29,852 वोट दिए मेरे को मिले, 30,000 वोट हीरा लाल जी को मिले और 31,400 वोट स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी को मिले और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। अब उस समय मेरे व्यापार में मैं अकेला संभाल रहा था, छोटा भाई तैयार नहीं हुआ था और एक युवा कार्यकर्ताओं का एक एक्सीडेंट भी हुआ, हमारे 4-5 कार्यकर्ता शहीद हो गए, जो आज भी मैं उस स्कूल से गुजरता हूं तो उनको नमन करके वहां से निकलता हूं, भले रात को 5 बजे 3 बजे 2 बजे। और उसके बाद 93 के इलेक्शन आया तो भैरू सिंह जी ने मुझे बुलाया जयपुर, भाई मोतीराम जी भी टिकट मांग रहे थे, मेरे को बुलाया कि यार उक सिंह जी को, अभी जो हमारे नारायण सिंह जी विधायक है रानीवाड़ा से, उनके बड़े भाई स्वर्गीय उक सिंह जी जिला प्रमुख जो आप लोगों ने बनाया था, मैं भी जिला परिषद का सदस्य उनके साथ रहा, भैरू सिंह जी ने बुलाया तो कि तुझे चुनाव लड़ना है, मेरे को साहब मेरे को तो चुनाव नहीं लड़ना, तो क्यों, मेरे को मेरे वहां व्यापार में संभालने वाला कोई आदमी है नहीं और मैं अभी स्थिति में हूं नहीं, तो क्या मैं टिकट मोतीराम जी को दे दूं, तुम साथ रहेगा, हाँ सर वो हम करेंगे, टिकट मोतीराम जी को दिया, मोतीराम जी ने चुनाव लड़ा, सहयोग भी दिया खूब, वोट भी अच्छे दिए, तो जैसा मैं घोड़ा लेकर खड़ा हो गया वैसे एक और सेब लेकर के खड़े हो गए बंदूक ऊपर, तो 12,000 वोट उन्होंने लिए, 12,000 से मोती जी हार गए, 93 से फिर 98 तक व्यवस्था चलती रही चलती रही चलती रही, और मोतीराम जी को मैंने कहा भाई मेरे को चुनाव लड़ना है वापस, लेकिन आपकी सहमति के बिना आपके पूछे बिना नहीं करूंगा, धन्यवाद देता हूं इस पते को कि इन्होंने कहा कि तेरी इच्छा है लड़ने की तो तू लड़, और चल आते हैं भैरू सिंह जी के पास और मांगते हैं टिकट, मोती जी साथ आए और भैरू सिंह जी को कहा कि इस जीवाराम को टिकट दे दो, इसको तो मैंने 93 में भी कहा था, इसने मना किया, मैंने कहा सर उस समय मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, अब मैं लड़ सकता हूं, ऐसी व्यवस्था हो गई, थोड़ा पेड़ है कमाना था बैठे तो चुनाव लड़े, इन बिटवीन उसके बीच में एक जिला परिषद का चुनाव हुआ जो उसमें केवला राम जी हरिओम जी अपने भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और हमने भाई नाथाराम जो अपने धानवाड़ा है दातिया के उनको खड़ा करके निर्दलीय जीता दिया, केवला राम जी उनके सामने हार गए, तो 98 में से भैरू सिंह जी ने टिकट दी, तो केवला राम जी को गुस्सा आया कि मुझे हराया तो उन्होंने टिकाया एमएलए का फोरम, अब केवला राम जी ने लिए 6,000 वोट और हमारे 4,500 वोट से, खैर कोई बात नहीं, चौधरी धर्मशाला में कार्यालय बनाया बढ़िया शांति से 5 साल, उस समय के साथी सहयोगी स्वर्गीय प्रताप सिंह जी और कई हमारे कार्यकर्ता जो थे वो आज संसार में नहीं है, मैं उनको नमन करते हुए परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना आप सबके साक्षी में करता हूं, उनका योगदान इस पार्टी के लिए सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं का इस पार्टी के लिए योगदान रहा, तब जाकर के ये पार्टी इतनी बड़ी हुई, झोपड़े झोपड़े ढाणी ढाणी सुख में दुख में जागरण में विवाह में शादी में नौकर में, एमपी साहब तो कहूं फाल फाल श्रेय आए जी, लोकसभा में मोटो इलेक्शन वैन सब दी राम राम करना है, कोई पूछे नहीं कि मोरे टोको नहीं है कि पौनी नहीं है कि लाइट नहीं है, वह तो चलो भाई करेंगे, और पसे राष्ट्र और विकास पुरुष मोदी जी जो पूरे संसार में भारत रत्न को बजावे, उवर गांव थी भी यहां पे दियो पार्टी ने वोट कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वो व्यवस्था करता करता हूं 11 तक आयो, एमपी एक बहुत वरिष्ठ वे है, वरिष्ठ भले उम्र में कम है लेकिन एमपी ना पद बहुत मोटो है महान है, तो वरिष्ठ घना पिता तो ले घना एमपी लगभग मोटी उम्र में लगभग लगभग एमपी में छोटा उम्र में बहुत कम एमपी में, तो वो सब व्यवस्था ना जानकार है, एमपी साहब ने कहा कम लागू के भाई 18 में आ लाई भोड़ो शिव व्यापार करते तो अहमदाबाद रे मोए एबीसीडी ठा भी
आ कपड़ा रो धंधो करता तो मैं स्टील की दुकान मत लावे नहीं अंबे रहो अरे कपड़ा रो धंधा वाला ने स्टील रो कोई नॉलेज ले ना भाई ठीक तो भी कोई बात नहीं मैं मीटिंग बुलावी के भाई अपने एमपी साहब वगैरह में खगरा पहुंच पसी आदमी आवे नगर में ठाकरे बातचीत करता हुआ तो वहां पर यह बात नहीं अठाईस पूरी करो लेकिन उनके मन में खोट थी ये धनराम भी हारे और ये शिवराम भी हारे और यही हुआ जब बात समझ में आई पांच साल तक ये घर ने धोन धोड़ों के ऊपर मारो तो पैतरी वर्ती में घर ने धोन धोड़ों के ऊपर खुदा न करे अगर व्यवस्था न हो तो मारो छोकरा भूखी मरे बो थारा तो अजी मरवा टाइम नहीं आया खुद अजी है એવા ધોકો કરે બધા આદમી છે એમપી નો ફરજ આ રહે કે તોન ઉઠે આવ જીવરામ ઉઠે આવ હમ કે સબ મન કરો બધું હે જીવરામ વરિષ્ઠ અહીંયા લડવા દે એટલી વાત મેં આપકે લીએ કરેંગે બેઠતા ચૂપચાપ આવે પછી જીવરામ પણ કડે જાવ પછી જીવરામ રે તો મન નું પડો તો પાછો એમપી સાહેબ કે ભાઈ બસ વાત હો ગયા બેઠ જાઓ તોન વાજા हाथे रेंगन चुनाव लड़ाता तो कार्यकर्ता राजी बता कार्यकर्ताओं में भी खुशी बहती जेरी आज है लेकिन बड़ा दुखरी बात है कि आ बात अगर हमाज में या तो आई नहीं आई रही है तो मुझे मन में खोट गई अब ये आप टिकट लेने आया ना मैं क्यों भाई धोम जी ने मैं क्यों होपे होपे दिल्ली हले ना मेरे भाई यहां बात करी मैं क्यों कोई मांगे देवराजी मार्सा टिकट मांगे भगवाली टिकट मांगे महेंद्र चौधरी टिकट मांगे मनी भी जो गणेश चौधरी टिकट मांगे तो मैं कहूँ मैं चौधरी हूँ तो हुआ मेरा घड़ा कहा तो भी करो फटू कहा फसा भी हो करो भी और रेडी तो के साथ थे कोई मत आ तो मैं कहा लो अपने ये कहो रुके भाई मारे भी हम थोड़ी इच्छा करो टिकट दो तन मन और कर अगर हुआ बाद में अगर कोई कालो हुआ बाद में कोई गलत वेदा माते काली रात ईश्वर साक्षी है ये बात और 35 वर्षीय मोथरिया जनता रे हाथ में हो कोई मायरा लाल कैपरो के जीवरो में एक गलत करायो जीवरो मेरे मन में खोट थी जो मारे अठे ओडो कौन करायो कोई कैपरो के मुंह बदली करावा गयो जीवरो में मारो 5000 रुपया मांग गया या कणी हो रुपया दीता वे थारमा को बैठा हो तो को तो आज भी 11 बजे तक मारा बंगले 5 लीटर दूध जाए आप जरा सेन आवे भागवे उगर गरीब न खावे वो हम चाप और बिना ने दुकान का दलाल भी बिल्ली ने तो दूध ने रखवा लगा के दिन बिल्ली आप दूध भी तो अब मैं कड़ा जानू तो ने तीन बार एमपी बनाया बड़ा जालो सिरोही जनता है खूब लाड रखे हो और आ घटना हुई और कुछ टाबरिया जोश में आया राजू थोड़ा बहुत लोग काला धंधा होता है कि हाँ वो करे उमरू ओबरा टाबर था वो कोई बीजा न था बस पैसा उतरे करने तो कहे बेटा अट जाओ कहो के नुचा आ गए मन कहे मुधारी बात बोलो क्या करे क्या बुलाए भी होगा खिलत भूखे तो बदल करे उनको सोकरा खिलत अरे राम 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 एमपी हो आवाज थोड़े भाभी नहीं है टिकट तो पार्टी ने मैं दोनों राम जी भी कहने आया हूं 30 तारीख तक वो हमें वादा रहा था कि यह टिकट में बदलनी पड़ेगा और बदलनी क्यों पर हुआ है और किन आया बाद हुआ है कौन में थोड़ी बात हाली देर मुंह पाली आया देर उठो फोन आया रोके थे दोनों जी होकटे देखो हमें तो मैं जाऊं और भाई सरन बोलवा मणि के पास आवारा ना बाप हमें पास ना हमें तो हमारे भाई सेना बोले रोमा चोमा करे पसे विचार करे 30 तारीख तक अपना अपना अधिकार है अपनी भावना ने प्रकट करवा रो भावना प्रकट करवा रो भाटा फेंकवारी जरूरत नहीं है भावना प्रकट करवा रो गाल बोलवारी जरूरत नहीं है भावना प्रकट करो टिकट बदलो राम जी को दो या जीवा राम जी को दो लेकिन टिकट बदलो आप भावना प्रकट करिए 30 तक निंदोनो पॉइंट निंदोनो परसेंट थोड़ी भावना की आदर और करनी पड़ी और
मोरे बेहनो आवे हुए हम तो थोड़ा तकलीफ नहीं देते। और मान लो एक तारीख तक, दो तारीख तक, पांच तारीख तक अगर फिर भी नहीं बदली तो 2003 में टिकट लेना आया था ट्रेन। अपना सेवा तो अपने बदले हमें कहा दे रहा हूं, क्यों मुर्गे बना दी मेरे होंगे? हम कोई मुर्गे नहीं बनेंगे। आपसे जनता की अपील और आवाज आप तक पहुंचा देते हैं। आपका मन हो तो क्या देना, और आपका मन नहीं हो तो मर्जी आपकी, सातवर की जनता की जो मर्जी होगी ये फैसला कर ले। बात हुई तो रखवा में कोई कमी रखी थी, लेकिन एरो धोखो ये कौ खादु, ये दोनों में कौ खादु मर धोरो ये दीवारों में, और छोकरा रहा धंधो करे पर था दिलाज भी थोड़ा गद्दू भरम नहीं आई। खूब बातों है, और वो अगर 30 तारीख ने ओबर कौन है ब्रो तो करनी है नी, और ओबर कौन नी हो तो वो तमाम बातों करनी है। आप सब लोगों को मान सम्मान और प्यार लाल ला 35 साल होते मन दे रहा, और मुंह थोड़ो आई ब्रो करी रहे हो 35 वर्ती, और मने अगर 58 हाइट रहा आया तो एक नवो भाई छोटो भरी आया तो मार मने मुझे न मारे सहयोग मिले बहुत थोड़ो ये भाई रहे तो बताए हमरो फुकर होए आज नहीं तो हो रही दंतराय क्या क्यों बस जा टाइम लागे जाता हूं। ये वास्ते आप सब लोगों की भावना की कदर करेला, और हो सके काले मोरे पास जयपुर भाई दोनों रंग रंग बियोरे जानो पड़े तो जानो पड़े तो ये ऊपर तो बात तो हुए है हागे ओ क्यों तुम हिटो दे के हम मेन गांव में पड़ के हिटो बात हागे गांव में रहे हम भी में। ये वास्ते आप सब ने खूब खूब धन्यवाद है, और आपरी भावनाओं री पार्टी ने सुनवाई करनी पड़ेला, करनी पड़ेला और करनी पड़ेला। 30 तारीख तक ओबरा सौन दी थी आपकी भावना प्रकट करता रहो तमाम गोबर में बैठा बैठा बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की।